परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा, आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है बहुत बहुत खास होने वाला है। किसके लिए? कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह मंथली प्रेडिक्शन मासिक राशिफल 2023 बहुत शुभ होने वाला है। साथियों, ये इसलिए क्योंकि दिसंबर माह इस साल 2023 का आखिरी महीना आपको क्या दे करके जाएगा, क्या खुशखबरी मिलेगी आपको, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है और जहां पर कोई दिक्कत होगी वो भी बताऊंगा, लेकिन 98% आपके साथ आपका जो रिजल्ट है दिसंबर माह का वो बहुत शुभ होगा। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस पता नहीं होता है वो अपनी नाम राशि पर भी जान सकते हैं। और विशेष बात, यदि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम या कुंडली बनी हुई है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो वास्तु के बारे में हो, अपने बारे में हो, नौकरी के बारे में हो, करियर के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, संतान के बारे में हो, किसी भी बारे में आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, जिन व्यक्तियों को जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम पता नहीं होता है, कुंडली बनी हुई नहीं है, वो लोग मुझे अपने दोनों हथेलियों का फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, अपना एक फेस का फोटो, तो आप अपने बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन सही तरीके से उपाय सहित ले सकते हैं। और ये आपको साथियों सूक्ष्म पे इसमें रखा गया है, वो आप पे करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। दिसंबर माह जब शुरू होगा तो आपकी जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थिति कैसी होगी, सहस्रनाम का राजयोग, शनि के साढ़े साथी अपनी राशि में विराजमान और केंद्रवर्ती, तो दृष्टि पंचम स्थान, जो आपके विद्या बुद्धि, साथ में प्यार प्रेम और आपके जो है आगे बढ़ने का जो क्षेत्र है वहां पर शनिदेव की कृपा है, तो बहुत शुभ। आगे चलते हैं, आपका जो है सेकंड हाउस में राहुदेव विराजमान है मीन राशि के, वहीं आपका बृहस्पति देव मेष राशि के विराजमान है, और आपके जो है एट्थ हाउस में केतु देव जो है कन्या राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, आपके बुध देव जो है इलेवंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं, वहीं आपके जो है जो चंद्रदेव हैं वो कर्क राशि के सिक्स स्थान में विराजमान हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर की परम निधि होती है साथियों, स्वास्थ्य यदि अच्छा तो सब अच्छा, स्वास्थ्य यदि गड़बड़ तो सब गड़बड़, यानी स्वास्थ्य की येन केन प्रकार से सुरक्षा कीजिए, स्वास्थ्य आपका साथ देगा तो जीवन पर्यंत आप जो है बहुत अच्छे बने रहोगे और हर चीजों का आनंद भोग सकते हो। स्वास्थ्य गड़बड़ है तो किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते हो, इसलिए स्वास्थ्य शरीर की परम निधि है। स्वास्थ्य का येन केन प्रकार से योगा करके, रोजाना एक सेब डेली खा करके, रोजाना दो गिलास गर्म पानी पी के और योगा करके अपने शरीर की सुरक्षा करें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि राहुदेव जो है मीन राशि में विराजमान है, अब जहां पर कष्ट होगा साथियों वहां आपको वो भी बताऊंगा और जहां पर सही होगा वो भी बताऊंगा। तो आपके लिए जो है जो राहुदेव है वो थोड़ा सा गले से ऊपर, मुंह का विकार, चेहरे पर एलर्जी, आंखों से संबंधित दिक्कत, दांतों का विकार, मुंह का विकार, मुंह में छाले पड़ना, कानों से संबंधित, तो इस तरीके की प्रॉब्लम राहुदेव बनाएगा आपको, क्योंकि राहु छाया ग्रह है और राहु आपके जो है धन भाव में मीन राशि के यानी राशिगत गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो ऐसी स्थिति होने से थोड़ा सा फेस की एलर्जी से, दांतों के विकार से, हॉस्पिटलाइज होने से बचे, सुरक्षा करेंगे सही रहेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आपकी पंचम भाव यानी विद्या और बुद्धि की। तो पंचम भाव में शनिदेव की, आप देख रहे होंगे कि पंचम भाव में शनिदेव की पंचम दृष्टि है लग्न भाव से, और वो स्थान यानी बुद्ध देव कहां विराजमान है, आय क्षेत्र में। तो जिनका पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था
जिन लोगों को पढ़ाई में दिक्कत होती थी, जिनका जो है मन भ्रमित हो जाता था, पढ़ाई में बैठते ही मन जो है डाइवर्ट हो जाता था, तो ऐसी स्थिति अब नहीं होगी। आप पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आप जो है पढ़ाई से रिलेटेड किसी कंपटीशन फाइल करने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने के लिए जो है आप कोशिश कर रहे थे, कहीं आपने फॉर्म फिल किया हुआ था, आप जो है आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड पीएचडी से रिलेटेड कहीं जाना चाहते हैं, पेपर फिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है साथियों, बहुत शुभ रहेगा। इन प्रकार से आप प्रयास कीजिए, सफलता आपके हाथ लगेगी, आपके कदम चूमेगी। तो इसलिए जो है आपका शनिदेव पंचम भाव में विशेष दृष्टि कर रहे हैं, बहुत शुभ योग है। वहीं यही स्थान होता है साथियों आपके प्यार और प्रेम का। अब वहां पर क्या है, बुद्ध देव भी जो है आय क्षेत्र में है और शनिदेव की दृष्टि भी वहीं पर है। अब शनिदेव की दृष्टि भी है और दूसरी चीज बुद्ध देव का घर है, तो अब ये दोनों मित्र ग्रह हैं। और दोनों जब मित्र ग्रह हैं तो जिन लोगों को अपने प्यार प्रेम में पहले से प्यार प्रेम बहुत अच्छा चल रहा था, फाइट हो गई थी, वो अब सही होगी। जिन लोगों का प्यार प्रेम में नहीं थे उनको अब प्यार प्रेम में जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जो है बैक हो गए थे, मतलब जो है अपने प्यार प्रेम में छूट गया था, टूट गया था लव रिलेशन, उनका आप सही रहेगा, नहीं था तो हो जाएगा। और विशेषतर आपने जो है अपने प्यार प्रेम को बनाए रखना है। और जब आप अपने प्यार प्रेम को, अपनी वाणी को और आपका जो मन है वो जो है आंदोलित होगा, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा अपने जो है पार्टनर के प्रति, लव पार्टनर के प्रति, तो बहुत अच्छी स्थिति कुल मिला करके। जिन लोगों का प्यार नहीं था उनको प्यार मिलेगा, जो लोग प्यार प्रेम में थे उनका अच्छा रहेगा। अब प्यार प्रेम चाहे वो पत्नी के साथ हो चाहे बाह्य हो, तो स्थिति कुल मिला करके शुभ है साथियों, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं बात कर लेते हैं आपके यानी मैरिज लाइफ की, इस बात की यानी आपका वैवाहिक जीवन की, मैरिज लाइफ कैसे रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका। उसमें क्या है कि आपका जो शनिदेव है उसकी दृष्टि है सप्तम भाव में। वैसे तो प्यार प्रेम वैवाहिक जीवन आपका ठीक चलेगा, लेकिन सामान्यतः जो है शनिदेव की दृष्टि होने से थोड़ा सा फाइट भी होगी, संघर्ष भी रहेगा, थोड़ा सा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। लेकिन एक विशेष बात, यदि आपका जो है लाइफ पार्टनर आपका जो है कहीं पर जो है पेपर फिल करना चाह रहा है, कहीं पर किसी कंपटीशन में जाना चाह रहा है, या उसका पद पदोन्नति हो रही है, या फिर जो है वो कहीं जाना चाहता है, तो आप उसका साथ भी देंगे और आपकी उन्नति भी होगी। लेकिन थोड़ा सा वाणी विकार से बचना है, फाइट से बचना है, तो आपका कुल मिलाकर के सही रहेगा वैवाहिक जीवन। वहीं अब विशेष और खास बात कर लेते हैं किसकी, आपके भाग्य भवन की। तो भाग्य भवन में क्या है, आपके भाग्य स्थान का विशेष देख लीजिएगा साथियों, यानी विशेष स्थान आप कुंडली में देख रहे हैं कि आपका भाग्य स्थान में तुला राशि के शुक्र देव विराजमान है और करियर क्षेत्र में जो है वृश्चिक राशि के मंगल देव विराजमान है, यानी दोनों की युति पावरफुल है, दोनों की युति बहुत अच्छी है। यानी क्या होगा, जो भी प्रश्न है आपका, जो भी क्वेश्चंस है आपके, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, वो जो है आपका 100-110% पूरा होगा। यानी जो भी स्थिति, जो भी क्वेश्चन है आपका, अब जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा था प्रमोशन होगा, विवाह नहीं हो रहा था विवाह होगा, संतान नहीं हो रही थी संतान होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी वो होगी, आपने लोन ले रखा था वो नहीं चुका पा रहे थे वो अब हो जाएगा, लोन लेना चाह रहे थे वो हो जाएगा, घर नहीं था आपके पास घर हो जाएगा, आप जो है मित्रवत व्यवहार किसी के साथ जो है साझे में काम करना चाहते थे वो भी हो जाएगा, आप जो है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से संबंधित काम करना चाहते थे वो भी हो जाएगा, आप जो है ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई काम कर रहे थे आप नहीं चल रहा था वो हो जाएगा, व्यापार और बिजनेस से संबंधित आपका कोई कार्य नहीं था वो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कोई भी क्वेश्चंस एक्स वाई जेड आपका काम नहीं बन रहा था वो बनेगा। लेकिन साथियों एक बात का ध्यान रखिए, आपकी कुंडली इसी तरीके की होनी चाहिए, मिला लीजिएगा आप अपनी कुंडली। यदि आपकी कुंडली इस तरीके की है आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा है या नहीं। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह नीच का है, दशा महादशा आपकी कष्टी चल रही है, तो आपके साथ गड़बड़ भी हो सकता है, कष्ट भी आपको मिल सकता है, पहले से चला हुआ जो दिक्कत चल रही है वो दुगुनी हो जाएगी। इसलिए आपको जो है
अपनी कुंडली को आप मिलान कर सकते हैं। कुंडली इस पर आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। यदि आपकी कुंडली इस तरीके की तो 100 गारंटेड आपको जो है किसी भी क्वेश्चन, कोई भी काम आपका हो वो पूरा होगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका कार्य बनेगा। अब वहीं बात कर लेते हैं करियर की। अब करियर में भी विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी वृश्चिक राशि का मंगल और केंद्रवर्ती लग्न सारो बुधो शुक्रो केंद्र जसो बृहस्पति दस मंगार कश्चैव सह जातो कुलदीपक। ऐसा जातक जिसका जो है लग्न में मंगल हो, केंद्र का बृहस्पति हो और लग्न का बुध हो, वह अपने कुल में दीपक के समान होता है और दीपक के समान उजाला करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अब वहीं आपका मंगल भी वैसा है, शुक्र भी बहुत बढ़िया है, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो यदि आपके ग्रह इस तरीके के हैं तो आपको आगे राज सम्मान से, राजनीति से, आपके करियर से, आपके व्यापार से, आपके विदेश गमन से, आपके खेती किसानी से, आपके जो है कोई भी कार्य आप करते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें 110% आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो ये तो था आपका वो। अब आगे आते हैं आपके व्यापार और बिजनेस के बारे में। ये भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि शनिदेव की थोड़ा सा दृष्टि है। आपका कोई जो है नया पार्टनर आपका बन सकता है, नया बिजनेस आप खोल सकते हैं, भूमि भवन कोई नया सामान आप खरीद सकते हैं, भूमि भवन जगह जमीन से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है साथियों। अब क्या करना है आपको, उपाय की वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कोई दिक्कत ना हो तो हमें अपनी पूजा पाठ, अपनी इष्ट को मनाना, अपने बड़ों का सम्मान लेना, माता पिता की सेवा करना, छोटों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, बड़ों को प्यार हासिल करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आपने उपाय क्या करना है, ओम प्राण प्रीम प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला का जाप करें, दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और साथ में जो है एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। और आपकी शनिदेव की सारे साथी चल रही है, कर्म फलदाता है, अच्छी स्थिति में है, आपको लाभ देंगे, जय शनिदेव जरूर लिखें। और आपके साथ क्या ऐसा है वो भी आप मुझे जरूर बताएं। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे। We'll be right back.